हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मध्य प्रदेश स्टैटिक जी के जो हम डिस्कस कर रहे थे उसकी सीरीज़ का ये 7वां लेक्चर होगा और आज से हम जो है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देखेंगे। और क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एक बड़ा कंपोनेंट है तो ये एक से दो लेक्चर के लिए खिंच सकता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या आज हमें देखना है। तो ये हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं मध्य प्रदेश और MPPSC, BPSC और UPPSC के लिए। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। प्लस आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा यहाँ पे फ्री वीडियो और स्टडी मटेरियल की आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और हमारे यूट्यूब चैनल और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर भी सारी नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर से रिगार्डिंग आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम शुरू करें हिस्ट्री क्या है, तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम मध्य प्रदेश की देखा जाए कि मध्य प्रदेश में हिस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का इतिहास क्या रहा है। और मध्य प्रदेश जैसे कि बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है मध्य प्रदेश की। लेकिन सबसे पहले हम अगर देखें तो हमें समझना हो कि हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आप पता ही होगा, लेकिन मेरा ये लेक्चर अगर हिस्ट्री पे है तो मुझे आपको थोड़े फैक्ट्स या फिर बैकग्राउंड से डिस्कस अवगत करवाना पड़ेगा आपको। तो हिस्ट्री जो है आपकी, हिस्ट्री व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री द स्टडी ऑफ, हिस्ट्री जो है स्टडी है किसकी, पास्ट इवेंट्स की, जो बीत के हैं, भूतकाल के जो इवेंट्स हैं, पास्ट इवेंट्स की, पार्टिकुलरली ह्यूमन अफेयर्स के, जो ह्यूमन से रिलेटेड जो पास्ट इवेंट्स हैं उनकी जो हिस्ट्री, जो स्टडी है ह्यूमन अफेयर से रिलेटेड, जो पास्ट इवेंट्स हैं उनकी जो स्टडी को हमने कहा कि वो इतिहास होता है। समझ गए ना आपकी, ह्यूमन की व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स स्पेशली रिलेटेड टू ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन के अफेयर से रिलेटेड जो, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो पास्ट इवेंट्स हैं वो, उसे हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास जो है तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। हिस्ट्री इज क्लासिफाइड इंटू थ्री पार्ट्स। विच आर द थ्री पार्ट्स, दीज आर फर्स्ट प्री हिस्ट्री, सेकेंड प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्ट्री जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या होती है, पहला जो है आपका प्री हिस्ट्री है, दूसरा जो है आपका वो प्रोटो हिस्ट्री है, और तीसरा जो है आपका हिस्टोरिकल पीरियड है। तो प्री हिस्ट्री में आपका क्या आता है, प्री हिस्ट्री में आपका है जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं पाए गए हैं। प्री हिस्ट्री जो आपकी, वहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं पाए गए हैं, नो रिटन रिकॉर्ड्स आर फाउंड इन प्री हिस्टोरिकल एरा ऑफ हिस्ट्री। बस ऐसे ही पत्थर उत्थर को जो है पाए, जो पत्थर उत्थर या फिर जो अब जीवाश्म जो फॉसिल्स पाई गई हैं उसके आधार पर ही, मतलब ये अनुमान कर लिया गया कि ये कंडीशन ऐसी होंगी, ये कंडीशंस ऐसी होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। नो रिटन हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री में कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टोन एज, पाषाण काल जो है आपका, वहाँ पे हम किसके बेसिस पे हमने ये किया है डिस्क, मतलब हम कैसे बताते हैं कि पैलियोलिथिक है, मेजोलिथिक है और नियोलिथिक है, किस आधार पर, चालकोलिथिक है, इस आधार पर बताते हैं कि वहाँ जो पत्थर पाए गए हैं, जो पत्थर पाए गए हैं उनकी कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन टेक्निक होती है, डेटिंग टेक्निक, कार्बन डेटिंग, उससे उसको डेट करने के बाद पता चलता है कि ये 3 मिलियन, 3 हज़ार साल पुराना है, ये 10 हज़ार साल पुराना है, 1 लाख साल पुराना है। तो ये है आपकी, तो इस कौन कौन से एग्जाम्पल, स्टोन एज और चालकोलिथिक एज। दूसरा क्या है आपका, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, प्रोटो हिस्ट्री में हमें क्या आता है, ये कौन सा पीरियड है जिसमें रिकॉर्ड्स होते हैं बट स्क्रिप्ट और लैंग्वेज नहीं पाई जाती। तो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स आर देयर बट नो स्क्रिप्ट, मतलब लिपि, लिपि आप पढ़े ना, जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है, तो वहाँ पे कोई लिपि नहीं पाई जाती है, समझे आप, कोई वहाँ पे लिपि नहीं पाई जाएगी, बस एक रिटन रिकॉर्ड्स पाया जाएगा जिसे स्क्रिप्ट, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी। जैसे कि आपका, आपके चालकोलिथिक एज में जो आपकी वो है, आपकी ये हरप्पन कल्चर है, हरप्पन काल है, तो वहाँ पे जो एक लेटर्स का समूह पाया गया है उसको डिपिक्ट नहीं किया जा सका क्योंकि उसके कोई वही नहीं था, उसका कोई थी वो लिपि ही नहीं थी, किस लिपि में है वो, बस लेटर्स लिखे गए थे और उसे बताया गया कि सिलेबो ऐसे क्या है, लोगो सिलेबिक है, लोगो सेलेबिक है, वो बस एक लेटर जो है वो साइन लैंग्वेज, मतलब एक लेटर जो है किसी साइन को दर्शाता था, तो उसकी कोई लिपि नहीं थी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रोटो मीन्स अर्ली, प्रोटो मीन्स क्या कहता है, अर्ली, तो यही। और तीसरा जो है आपका वो हिस्टोरिकल पीरियड है, यहाँ पे आपके रिटन रिकॉर्ड्स पाए गए हैं आराम से और उसकी लिपियाँ वपियाँ सब पाएंगे, जैसे कि आपका वैदिक काल हो गया, वैदिक एज ऑनवर्ड्स, जो ये वैदिक एज के बाद के जो समय है वो आपका हिस्टोरिकल पीरियड है। तो हमने क्या देखा, हिस्ट्री जो है वो तीन पार्ट में होती है, फिर से देख लेते हैं, प्री, प्रोटो, ठीक, और ये आपका तीसरा क्या है,
वैदिक, और ये आपका हिस्टोरिकल पीरियड। प्री में हमने देखा कि कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं पाए जाते थे, जैसे कि आपका चालकोलिथिक और पैलियोलिथिक एज हो गया। प्रोटो में हमने देखा कि रिटन रिकॉर्ड्स पाए जाते थे लेकिन कोई स्क्रिप्ट नहीं पाई जाती थी, और हिस्टोरिकल पीरियड में देखा हमने कि स्क्रिप्ट और रिटन रिकॉर्ड्स सब पाए जाते थे, और वैदिक एज के बाद का जो समय है वो हिस्टोरिकल पीरियड था। तो इतना आप समझ गए होंगे एक बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं एमपी की हिस्ट्री के बारे में, एमपी की हिस्ट्री क्या थी और कैसे। तो एज नेम एम्प्लाइज, मध्य प्रदेश मतलब मध्य मतलब क्या होता है, मध्य प्रदेश अगर जैसे नाम है हमारा, मतलब इसका स्टेट का नाम मध्य प्रदेश है, तो मध्य मतलब क्या होता है, सेंट्रल मतलब बीच में, केंद्र, केंद्र पे होता है वो, सेंट्रल होता है मध्य प्रदेश का नंबर। और प्रदेश मतलब वो जो होता है रीजन होती है आपकी, रीजन, तो सेंट्रल रीजन होता है। हम पहले भी जानते थे कि सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था इसे, तो बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ कंट्री। हार्ट क्या होता है, शरीर के बीचों बीच होता है ना, कि इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसलिए कंट्री का हार्ट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, हार्ट ऑफ या हृदय कहा जाता है भारत का। और रीजन जो है वो गोंडवाना लैंड से बिलोंग करती है। गोंडवाना लैंड जो है, जब भारत का मतलब जब जो डिवीज़न हुआ था जोग्राफिकल डिवीज़न, तो पैंथलासा और जो पैंजिया वाला जो डिवीज़न हुआ था उसमें जो एक हिस्सा से गोंडवाना लैंड कहा जाता था, तो वो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि गोंड जो ट्राइब्स थी तो ये यहाँ पे आके पहले बस गई थी, तो इसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है इसे। ये सदर्न मोस्ट पार्ट था किसका, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट था। कौन आपका, गोंडवाना लैंड जो था आपके, सुपर कॉन्टिनेंट जो था पैंजिया हमने बताया, उसका ये सदर्न मोस्ट पार्ट था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और द टर्म गोंडवाना लैंड जो है वो कहाँ से है, गोंड जो कि इस समय तभी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप होता है, मध्य प्रदेश में जो बड़ा ट्राइबल ग्रुप है वो गोंड है। तो इतना हमने देखा हिस्ट्री के बारे में मध्य प्रदेश की, कि नेम जो है वो सेंट्रल मध्य मतलब जो आपका सेंट्रल, और रीजन मतलब प्रदेश मतलब आपका रीजन, और आपका जो है वो गोंडवाना लैंड से ओरिजिन हुआ जो कि पैंजिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था, प्लस आपका क्या कहते हैं कि आपके जो गोंड ट्राइब है उसके नाम से गोंडवाना लैंड का वो पड़ा है। फिर हिस्ट्री क्या है, अब प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री मतलब प्राग ऐतिहासिक काल जो है, मगर डिस्कस करना चाहें मध्य प्रदेश का शुरू करें, तो प्री हिस्टोरिक जो हिस्ट्रिक है मध्य प्रदेश की वो कहाँ से होती है, डेवलपमेंट प्राइमरली इन द वैलीज ऑफ रिवर्स और सच एज नर्मदा, चंबल एंड बेटवा। तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का जो मतलब प्री हिस्टोरिक अगर हमें हिस्ट्री डिस्कस करनी हो, तो हमें जो नर्मदा वैली, चंबल वैली और बेतवा वैली की जो सेटलमेंट पैटर्न है वो देखना पड़ेगा, कि वहाँ सेटलमेंट पैटर्न कैसा था, अगर हिस्ट्री पढ़नी हो हमें मध्य प्रदेश की। देखिए सेटलमेंट पैटर्न से क्या मतलब होता है, सेटलमेंट पैटर्न का मतलब ये होता है कि जब शुरुआत हुई थी, जब इतिहास की जब शुरुआत हुई थी, तो जैसे कि जो जो ट्राइब मतलब जो लोग लोग हुआ करते थे वो मतलब हंटर गैदर टाइप के थे, तो नदियों के किनारे जाके बस जाते थे, जो वैलीज थे जैसे नर्मदा वैली आपकी हो गई, बेतवा वैली हो गई, क्योंकि पानी जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था, बिना पानी के जो हो नहीं पाता था कुछ काम, तो पानी का रिलेवेंस इतना ज़्यादा था कि वैलीज़ के किनारे किनारे ही जो सभ्यताएं डेवलप होने लगी, जैसे इंडस वैली के हमारे किनारे, और आपका नर्मदा वैली के किनारे, ये आपका चंबल वैली और बेतवा वैली किनारे, तो वैलीज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के किनारे हुई है, जितने भी चाइनीज़ येलो लिवर किनारे, तो जितनी भी सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई वो सब वैलीज़ के किनारे डेवलप हुई हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है आपकी क्या है, सिग्निफिकेंट प्री हिस्टोरिक साइट है भीमबेटका जो आपकी, हमने इससे पहले वाले लेटर किया था कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म साइट है, क्योंकि तो उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है भीमबेटका का, क्योंकि वो मीजोलिथिक साइट है आपकी ये भीमबेटका, और ये अर्लीस्ट ह्यूमन लाइफ के ट्रेसेस को दिखाती है, कि सबसे पहले ह्यूमन लाइफ वहाँ पाई जाती थी, ह्यूमन लाइफ जो है एमपी में जो पाई जाती थी वो उसके ट्रेसेस जो हैं भीमबेटका से पता चलते हैं। वो भी सिर्फ अनुमान लगाया, क्योंकि वहाँ किसी ने किसी को देखा थोड़ी ना ये ह्यूमन लाइफ सर्वाइव करी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चित्रकारी मिलती है हमें, हमें वहाँ पे उसके वॉल से पेंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें बताती है कि वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हुआ करती थी, वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग था या फिर वो आपका हुआ करता था, एग्रीकल्चर डोमिनेंट था क्या वहाँ पे डोमिनेंट था, तो ये सारी चीज़ें हमें भीमबेटका की जो केव्स हैं वहाँ से पता करती हैं। हियर द एविडेंस क्या, ऑक्यूपेशन क्या था मैन का, ये सब पता चलती है। तो ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग गैदरिंग ही था, ये हम यहाँ तक इतना डिस्कस कर पाएँ कि भीमबेटका केव्स जो हैं वो हमारी जो हैं वो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री की एमपी के एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सोर्स होती हैं। अब स्टोन एज पे आते हैं हम, क्या है स्टोन एज कौन की, तो इंडियन स्टोन एज जो है वो तीन भागों में डिवाइड है, आपको पता होगा, पैलियोलिथिक सबसे पहले, फिर मीजोलिथिक आपकी, और फिर नियोलिथिक, तीन होती है ना, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, आगे है नियोलिथिक। तो जो स्टोन काल है, पाषाण काल है आपका, तीन एजेस में डिवाइड है, पैलियो, नियोलिथिक, और कब से कब तक होता है ये आपका स्टोन एज आपकी, कितने से कितने समय तक की है आपकी, 2.5 लाख ईयर से लेके 4000 BC तक, 2.5 लाख BC से लेके 4000 BC तक आपका जो है वो पाषाण काल आपका है। अब आपको सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है, ठीक,
पहले थे कि हम देखेंगे, तो हंटर एंड फूड गैदरर एज था आपका, मतलब हंटिंग की जाती थी और फूड गैदरिंग के थ्रू जो है लाइवलीहुड डिपेंडेंट थी, मतलब खेती होती वहाँ नहीं होती थी, नोमैडिक पीपल थे जो, जिसे कहा जाता है कि बंजारे टाइप के लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एनिमल्स को मारते थे, खाते थे और अपना फिर आगे बढ़ जाते थे। प्लस क्या था आपका, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के हिसाब से। मान लीजिए जैसे बहुत ठंडी होने लगी तो जो एनिमल्स हैं माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक, तो जैसे तो सॉरी वो भी माइग्रेट कर जाते थे भाई, खाना खाना उनका कोई ऐसा थोड़ा ना था कि बिजनेस करना है, अंबानी बनना है या टाटा बनना है, ऐसा कोई उनका वो नहीं था। उनका काम ये था कि भाई देखिए लाइवलीहुड हमारी चलनी चाहिए और हंटिंग गैदरिंग हमें करके हमें खाना मिलना है और पानी हमें नदी से मिल ही जाएगा। तो जैसे जैसे सीज़न चेंज हो जाते थे, मान लीजिए कि ठंडी थी तो कहीं और माइग्रेट हो जाते थे जहाँ पर एनिमल मिलते थे, प्लांट मिलते थे, और जो गर्मी थी तो कहीं और माइग्रेट हो जाते थे। तो यही उनका पूरा कॉन्सेप्ट था, मतलब यही पूरा आपका पेलियोलिथिक एज का जो है कि हंटर एंड गैदरर था, और 2.5 लाख से 10,000 BC तक आपके ये समय चलता है, 2.5 लाख से 10,000 तक, ठीक। स्मॉल कम्युनिटीज़ में रहते थे जिसको बैंड सोसाइटी भी कहा जाता था, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे, ये मतलब 3-4-5 लोग के एक समूह होता था उसमें रहते थे, और सॉरी 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 छोटी मोटी आपकी सोसाइटी थी लेकिन 3-4 लोगों का समूह नहीं होता था, वो कम से कम 100 लोगों का सब होता था, 100 लोगों के ग्रुप में रहते थे जिसे बैंड सोसाइटी किया जाता था। स्मॉल कम्युनिटीज़ दे लिव्ड इन कॉल्ड बैंड सोसाइटी, बैंड सोसाइटी में मिनिमम 100 पीपल तो रहते ही रहते थे। इन पैलियोलिथिक एज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स पाए जाते थे, 3 तरीके के टूल्स पैलियोलिथिक में पाए जाते थे। किस लिए टूल्स भाई, टूल्स का काम क्या है आप बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है टूल्स सुनने के बाद? टूल्स सुनने के बाद जनरल से इंपॉर्टेंस यही है कि टूल्स जो थे वो किस लिए काम में आते थे। टूल्स आपके काम में आते थे हंटिंग के, गैदरिंग के, और एनिमल मारने के लिए, प्लांट्स को जो काटने के लिए सब्जियाँ काटते थे उन सब के काटने के लिए, भाला बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए टूल्स का काम आता था। तो लोग किसी मेटल का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था तब, तो कैसे बनाते थे, वही पत्थर से बनाते थे, कोर, फ्लेक्स और फ्लिंट, ये 3 तरीके के टूल्स पाए जाते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा आपको पक्का, भीम बेट का आपका भी पूछेगा। तो स्मॉल कम्युनिटीज़ में रहते थे जो कि बैंड सोसाइटी थी, 100 लोग एक बैंड सोसाइटी में हुआ करते थे, 2.5 लाख से 10,000 आपकी BC तक का ये समय है, हंटर गैदरर्स थे। अब हम क्या देख रहे थे, 3 तरीके के टूल्स पाए जाते थे, कौन कौन से, कोर्स, फ्लेक्स और फ्लिंट। कोर मतलब एक आपके क्या कहते हैं कि नुकीले से होते थे, और कोर और फ्लेक टूल्स होते क्या थे अब अगर हम बताएं आपको, तो एक स्टोन का पीस ले लेते थे वो लोग और उसे तोड़ देते थे पीसेज में, ठीक, और लार्जेस्ट पीस को जो कहा जाता था वो कोर था। मान लीजिए कि स्टोन का पीस ले लेते थे, ये बहुत बड़ा सा स्टोन का पीस है, ठीक ठीक, इसे तोड़ दिया छोटे पीसेज में, ठीक ठीक, ये देख लेना आपने इंडो पीसेज। तो इसमें जो सबसे बड़ा पीस था, मान लीजिए ये सबसे बड़ा पीस है, तो इसे कोर कहते थे। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये आपका यहाँ पे भी काम में आएगा आपका, और हिस्ट्री में भी काम में आएगा आपके, एंशियंट हिस्ट्री वाला जो सिलेबस है। और स्मॉलर पीसेस को कहा जाता था, इसे जो स्मॉलर पीसेस थे इन्हें फ्लेक्स कहा जाता था। तो ये हमका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्ट लेके देखिए पढ़िए, हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से आपको समझाया जाएगा यहाँ पे हर एक चीज़। तो क्या हमने देखा, एक बड़ा पत्थर था, ठीक, उसे तोड़ दिया गया, तो एक उसमें बड़ा पत्थर, तो बाकी जो छोटे छोटे पत्थर थे, तो जो बड़ा था उसे कोर कहा जाता था और जो छोटे थे उन्हें फ्लेक्स कहा जाता था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और 3 तरीके के टूल देखे, कोर, फ्लेक्स और फ्लिंट। और फ्लिंट क्या था, फ्लिंट जो आपका था क्या कहते हैं कि जो वही कोर्स को ही अगर बहुत शार्प कर दिया जाता था तो उन्हें फ्लिंट कहा जाता था। फ्लिंट कोर्स का ही एक सब कंपोनेंट था, और जो जो टूल्स कोर से बनते थे उन्हें कोर टूल कहा जाता था, और जो फ्लेक्स से बनते थे उन्हें फ्लेक टूल्स कहा जाता था। मतलब जो बड़े पत्थर के जो बड़े वाले पार्ट से तोड़ के बनता था उन्हें कोर टूल्स कहा जाता था, और जो पत्थर के छोटे वाले पार्ट से बनता था उन्हें इन्हें क्या कहता जाता, फ्लेक टूल। और सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है कोर टूल्स के, कोर टूल्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हैं आपके, कुछ इंपॉर्टेंट कौन देखा जाए, कोर टूल्स के आपके एग्जाम्पल हैं एक्सेस, कलहाड़ी, क्लीवर्स मतलब एक होता है हाथी का बड़ा सा होता है, और चॉपर्स मतलब काटने के लिए जो होता था वो। और सम एग्जाम्पल फ्लेक टूल से क्या है, ब्लेड्स, ब्लेड की तरह बनाई जाती थी, पॉइंट्स चुकीले से होते थे, बोरर्स छेद करने के लिए बनाए जाते थे, और आपके स्क्रेपर्स। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए, आपको पता रहना चाहिए। तो कोर टूल्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने देखे, कोर टूल से कौन कौन से थे आपके, कोर टूल्स के एग्जाम्पल थे आपके ये एक्सेस, कुल्हाड़ियाँ, क्लीवर्स और चॉपर्स, ठीक। और आपके फ्लेक टूल्स के एग्जाम्पल थे कौन से, ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स छेद करने के लिए सब बनाए जाते थे, देख लीजिए, ठीक।
आगे चलते हैं फिर, और मेन साइट कौन थी आपकी मध्य प्रदेश में, आपकी पैलियोलिथिक एज की जो मेन साइट्स थी वो कौन कौन सी थी आपकी? रिवर वैली कौन कौन सी? नर्मदा की रिवर वैली, चंबल की रिवर वैली, सोनार की, पार्वती, हिरन और वेन गंगा। तो इन सब नदी की जो वैलीज़ हुआ करती थी उसी के अराउंड जो है आपकी पैलियोलिथिक कल्चर जो है मध्य प्रदेश का पाया जाता था। तो कौन कौन सी नदियों के किनारे? नर्मदा, चंबल, सोनार, पार्वती, हिरन एंड वेन गंगा। इन नदियों के किनारे जो वैलीज़ डेवलप थी उन्हीं के अराउंड जो है ये आपकी साइट जो आपकी पैलियोलिथिक एज का डेवलपमेंट हुआ मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं मीजोलिथिक एज के बारे में हम देखेंगे, मीजोलिथिक एज क्या थी? तो ये हंटर और हर्डर्स मतलब झुंड वाले जो थे आपके, हंटर तो थे ही साथ में झुंड में करते थे आपका। और ये क्या था? एक ट्रांजिशन फेज है, ये ट्रांजिशन फेज है मतलब ट्रांजिशन मतलब चेंज, चेंज होता है कहाँ से? पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में जो ट्रांजिशन फेज है वो आपका मीजोलिथिक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। मेन टूल्स क्या हुआ करते थे यहाँ के? मेन टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब स्टोन्स, तो माइक्रो मतलब छोटे स्टोन्स के जो टूल्स बनाए जाते थे वो माइक्रोलिथ्स कहते थे यहाँ पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा मीजोलिथिक एज हम डिस्कस कर रहे थे, और आगे चलते हैं मीजोलिथिक में। तो हम देखेंगे कि हंटर और हर्डर्स था यहाँ पे, हमने देखा था कि हंटर और हर्डर्स थे यहाँ पे 10,000 से 6,000 BC तक ये एज चलती है। उससे पहले वाली कितनी चलती थी? 2,50,000 से लेके 10,000 तक आपकी ये आपकी पैलियोलिथिक एज थी 2,500 से लेकर 10,000 BC तक। और उसके बाद आपकी मीजोलिथिक आती है, हमने देखा कि वो ट्रांजिशन फेज है, मीजोलिथिक आपका ट्रांजिशन फेज है। किसके किसके बीच में? पैलियोलिथिक के बीच में और नियोलिथिक के बीच में आपका मीजोलिथिक जो है वो ट्रांजिशन फेज हुआ करता था, ठीक। और यहाँ पर जो टूल्स पाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था आपको। माइक्रोलिथ्स जो थे वहाँ के इंपॉर्टेंट टूल हैं मीजोलिथिक एज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते थे। माइक्रो मतलब होता था छोटा और लिथ्स मतलब होता था स्टोन्स, ठीक। तो माइक्रोलिथ्स आपके टूल वहाँ पाए जाते थे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये होते क्या थे? इनकी लेंथ कितनी होती थी? 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ हुआ करती थी माइक्रोलिथ्स की। और ये मिनिएचर वर्जन थे टूल्स के, जो अर्ली स्टोन एज में जो टूल्स पाए जाते थे उनके मिनिएचर मतलब छोटे वर्जन थे। जैसे मिनिएचर वर्जन मतलब जो हमने देखा ना अर्ली स्टोन एज में कौन कौन से टूल पाए जाते थे? आपके ब्लेड्स, पॉइंट, बोरर्स, स्क्रेपर्स, और आपके जो कोर टूल्स में जो बड़े बड़े टूल्स पाए जाते थे जैसे एक्सेस, क्लीवर्स, तो उन्हीं के ये मिनिएचर छोटे वर्जन हुआ करते थे। जैसे कि आप एक बड़ी तलवार ले लीजिए और एक छोटा सा खड़ाक वो ले लीजिए आपका, जैसे कहा जाता है कि खड़क जो होता है छोटा वाला जो होता है वो अगर ले लिए, जैसे कि एक बड़ी तलवार आपकी हो गई ये जी आपकी हो गई, और एक छोटा सा आपका ये हो गया, तो ऐसे, तो ये इसका मिनिएचर वर्जन है ना। तो यही बताया जा रहा है कि माइक्रोलिथ जो थे मतलब वो एक मिनिएचर वर्जन थे किसके? आपके जो अर्ली पैलियोलिथिक एज में जो पाए जाते थे उन्हीं के मिनिएचर वर्जन थे। और ये क्या दिखाते थे? ये क्या दर्शाते थे कि शिफ्ट फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग एंड फिशिंग। अब जब टूल्स जो थे पहले बड़े बड़े थे, मान लीजिए इतने बड़े टूल्स थे पहले, ठीक, ये भाला बने करते थे, यहाँ चुकीले हुआ करते थे और यहाँ पे इसे पकड़ने के लिए बना रहता था हाथ के पास, ठीक, ये ठीक। तो पहले बड़े एनिमल माने जाते थे, जैसे कि पहले गाय, भैंस और वो बड़े बड़े शेर और इन सबको मारा जाता, ठीक। और जब टूल छोटे हो गए तो ये क्या दर्शाते हैं? ठीक, ये देख दर्शाते ये हैं कि आपके जो बड़े एनिमल्स को पहले मारे जाते थे, अब वो एनिमल्स की हंटिंग गैदरिंग थी वो छोटे एनिमल्स की हो गई, जैसे फिश खाने लगे वो, ठीक, आपका और क्या खाने लगे आपके, और स्मॉल एंडिंग जैसे कि फिश की हंटिंग करने लगे और आपकी मुर्गे, बकरे, इन सब की सॉरी आपकी जो हंटिंग करते थे। तो ये आपका क्योंकि टूल जब छोटे हो गए तो भाई उतने बड़े से तो शेर को मारोगे नहीं, कहावत है ना कि जहाँ काम आवे सुई, सुई कहाँ है तलवार, तो वही सेम वाली बात है यहाँ पे। अब छोटे चीज़ों की यहाँ हेल्प जरूरत पड़ने लगी, और वो थोड़े मोबाइल ज़्यादा हुआ करते थे, उनको कैरी करने में आसानी रहती थी, तो ये इंपॉर्टेंट था। और माइक्रोलिथ जो को है क्या कहते हैं कि आपके मिनिएचर टूल्स जो हुआ करते थे, ये सब कंपोनेंट थे किसके? आपके पैलियोलिथिक जो है मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन में उसी तरीके से थे, बस वो छोटे हो गए थे। और उसमें एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, जैसे आपके एरो, बो एंड एरो आपके था, धनुष बाण जो आपको हुआ करता था जी, आपका ये यूज़ हुआ करता था। और क्या होता था? और ये छोटी छोटी नाइफ्स जो हुआ करती थी आपकी, ये सब बनाए गए पत्थर से ही बनते थे। अभी भी देखिए पाषाण पाषाण काल चल रहा है ना, स्टोन एज चल रहा है, अभी तक स्टो उसका किसी मेटल का डिस्कवरी नहीं हुआ है। और अलॉन्ग विथ माइक्रोलिथ्स एनिमल बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। इस फेज़ में माइक्रोलिथ के साथ साथ एनिमल बोन्स को भी डिस्कवर किया गया है, पशुओं की हड्डी देखिए, और हड्डियों का से भी, जैसे कि ये हड्डी है मान लीजिए, तो इससे से भी टूल्स बनाए जाते थे, इसको भी मतलब शार्प कर दिया जाता था कहीं किनारे से, और ये उससे भी टूल्स बनाए जाते थे। दीज बोन्स प्रोवाइड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो बोन्स है ना जो पाई जाती थी, ये बोन्ड आपकी चिरांड उरांड एरिया जो है आपका वहाँ पाई जाती थी, बिहार के पास है,
और ये मतलब मध्य प्रदेश का अलग, मैं आपको मोटा मोटा मीजोलिथिक एज के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो बोन्स पाई जाती थी ये किसका एग्जाम्पल देती थी, ये एग्जाम्पल देती कि एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, तो भाई एनिमल्स होंगे तभी उनको डोमेस्टिकेट किया जाएगा, जब मरेंगे तो उनकी हड्डी दिखेगी। तो ये फेज दर्शाता है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है बिगिन हो गया था और प्लांट्स और एनिमल दोनों को है वहाँ पर यूज़ किया जाता था एज एन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ठीक, और किस चीज़ का एविडेंस मिलता है, हॉर्टिकल्चर का और प्रिमिटिव कल्टीवेशन दोनों का एविडेंस मिलता है। किसका एविडेंस मिलता है, हॉर्टिकल्चर का और प्रिमिटिव कल्टीवेशन का, मतलब जो पुराने तरीके से कल्टीवेशन की जाती है हल उल चला के, उसका भी एविडेंस मिलता है। और हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी और फ्लावर्स का जो कल्टीवेशन है उसका भी एविडेंस हमें मिलता है यहाँ से। ठीक, और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म तक टेंडेंसी थी इनकी सेटल होने की, खूब लंबे समय तक ये जब इन्होंने मतलब ये तक ये पूरा फेस चला होगा और देखा आप 4000 साल तक चला भी है आपका। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट साइट आपकी आदमगढ़ हिल्स थी होशंगाबाद में, और किस लिए इंपॉर्टेंट है, रॉक शेल्टर्स के लिए और रॉक पेंटिंग्स फाउंड ऑन। देखा हमने देखा था इससे पहले वाली स्लाइड में भी कि भीमबेटका जो थी, भीमबेटका आपकी मीजोलिथिक समय की है, अर्ली मतलब लेट पैलियोलिथिक और अर्ली मीजोलिथिक फेज की है। तो और यहाँ पे क्या पाए जाते थे, आदमगढ़ हिल्स जो है इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे होशंगाबाद में थी, जो किस लिए फेमस है, रॉक शेल्टर्स के लिए। रॉक शेल्टर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि गुफा की तरह होता है, ऊपर से ऐसे छत आई रहती है आपकी, जैसे पोर्च की तरह ऊपर छत होती है वैसे ही छत आई रहती है और वो शेल्टर का काम करती है। तो उसी के अंदर लोग रहते थे, जो आदिवासी जनजाति थी हमारी वो उसी शेल्टर के अंदर रहती थी, अपना घर और बना के रहती थी ताकि बारिश से, सन धूप से और ठंडी से, इन सब चीज़ों से बच पाए। तो जब वो खाली समय में बैठे रहते तो पेंटिंग डिपिक्ट करते थे, उसी की वॉल पे उसी की सीलिंग्स पे पेंटिंग बनाते थे। ठीक, तो जो पेंटिंग बनाते थे वो उस समय की, जैसे कि अब मान लीजिए कि वो उस समय मान लीजिए अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरफ गोली बंदूक चल रही होती तो उस समय की चीज़ की बनाते ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाते बंदूक चला रहे हैं गोली चला रहे हैं, लेकिन उस समय गैंग्स ऑफ वासेपुर तो थी नहीं, तो उस समय बो एंड एरो चलाते थे। जैसे कि एक बना दिया उन्होंने से, एक आदमी बना दिया उसके हाथ में से एक बो एंड एरो दे दिया और यहाँ पर एक चिड़िया उड़ती हुई बना दी। ठीक, देखिए ये एक से चिड़िया उड़ रही है और इसे लग जा रही है, तो इसे क्या समझेंगे, हंटिंग होती थी, हम ये समझेंगे ना इसे हंटिंग। फिर उन्होंने बनाया एक फैम तीन चार ऐसे साथ में रह रहे हैं। ठीक, ऐसे एक जगह तीन चार लोग बैठ रहे, आग बना दिया, ताप रहे हैं, उसको सेक रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कम्युनिटी लिविंग देखने गई वहाँ पे, ढेर सारे लोग एक साथ समझते लाइफ हो रही, डांसिंग का स्टेज उन्होंने बताया, डांस हो रहा है, तो इसका मतलब डांस से रिलेटेड क्या मतलब फेस्टिवल वेस्टिवल होता होगा, इसका मतलब फेस्टिवल हुआ करता था। ठीक, ये सब उन्होंने पूरा डिपिक्ट किया था। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ की जो मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। और क्या है, क्या कहते हैं कि स्टोन एज आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं वहाँ पे, यहाँ मीजोलिथिक एज में जो यहाँ से एक्सकेवेट किए गए हैं यहाँ पर, कहाँ से, आदमगढ़ साइड से। और इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट साइट कौन कौन सी है, निमार है आपकी, शाडोल है, मंडसौर है, होशंगाबाद, रीवा, सीहोर, उज्जैन, मांडला, छतरपुर और छिंदवाड़ा, ये सब आपकी अदर इम्पोर्टेंट साइट्स हैं ये इस काल की, आपके कौन से काल की, आपके मीजोलिथिक एरा की, ये अदर इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं। तो हमने पूरे मीजोलिथिक एरा में क्या क्या देखा, हमने देखा कि हंटर्स एंड हर्डर्स थे, 10,000 से 6,000 साल तक का इनका जो BC तक इनका टाइम पीरियड पाया जाता था। मेन टूल्स यहाँ पे माइक्रोलिथ्स थे जो कि स्मॉलर वर्जन थे किसके, अर्लियर जो पैलियोलिथिक टूल्स थे उसके। ढंग एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे शुरू भी हो गया था, हॉर्टिकल्चर और प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी देखा गया यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट साइट जो है यहाँ पे हम आदमगढ़ थी। ठीक, आगे चलते हैं नियोलिथिक। अब नियोलिथिक, और ये हाँ एक चीज़ हमें बताना बोल के, ये ट्रांजिशन फेज था किसके बीच में, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ये ट्रांजिशन फेज हुआ करता था। ठीक, और आगे चलें हम देखें तो नियोलिथिक एज जो है वो फूड प्रोड्यूसर्स की, ये फूड प्रोड्यूसर स्टेज थी। इससे पहले वाली कौन सी थी, हंटर एंड हर्डर्स जो ग्रुप में रहने वाले, और इससे पहले कौन सी थी, हंटर एंड फूड गैदरर्स। और नियोलिथिक जो एज है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, ये मॉडर्न एज में आती है आपकी, और ये इसका समय काल तो था वो 6000 BC से लेकर 4000 BC तक था। न्यू मतलब न्यू होती है, ठीक, और लिथिक मतलब वो स्टोन, न्यू मतलब न्यू, तो न्यू नया, नवपाषाण काल से हिंदी में कहा जाता है नियोलिथिक। ठीक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नियोलिथिक एज में क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर बन गया नियोलिथिक काल में। अब यहाँ से हंटिंग, हैदरिंग, गैदरिंग ये सब छोड़ के एग्रीकल्चर जो हो गया एक उसने रिप्लेस कर दिया इन सब चीज़ों को। किस किस चीज़ का एग्रीकल्टिवेशन होता था, राइस होता था, वीट होता था, गेहूँ का, बार्ली हुआ करता था, और किसका होता था, मिलेट्स का, मोटे अनाज जिसे कहा जाता है, उन सब चीज़ों का कल्टीवेशन हुआ करता था यहाँ पे इस काल में। और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखा जाता था, किन किन एनिमल किसका किसका डोमेस्टिकेशन देखा जाता था, प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी होता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ उसमें भी होता था, इसमें अच्छे तरीके से होता था, बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में प्लांट्स एंड एनिमल्स का यहाँ डोमेस्टिकेशन होता था। कौन कौन से प्लांट एंड एनिमल्स का होता था,
एनिमल्स में कौन कौन आते थे आपकी, शीप, भेड़, कैटल मतलब वही गाय भैंस, और किसका, गोट का, बकरी का आपके का वो डोमेस्टिकेशन होता था, विच लेड टू एमरजेंस ऑफ विलेज लाइफ एंड डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स। अब यहाँ पे देखिए, जब इन सब चीज़ों, अब जब कोई काम हो आ गया आपके पास, अगर काम करने के लिए है तो भाई लेबर डिवीज़न भी तो करना पड़ेगा, कोई बाहर का काम करेगा, कोई घर का काम करेगा, तो डिवीज़न ऑफ लेबर भी यहीं पे ओरिजिन में आया। जैसे कि मेल को ये काम करना है, फीमेल को ये काम करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आया। और उसके बाद विलेज लाइफ भी डेवलप हो गई भाई, पूरी इकोनॉमी एक तरीके से बन गई ना आपकी, तो विलेज लाइफ भी आपकी डेवलप हो गई। और क्या हुआ, लेबर डिवीज़न हो गया किसके आधार पर, सेक्स के आधार पर, सेक्स के आधार पर डिवीज़न ऑफ लेबर भी देखा गया यहाँ पर। ठीक, तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स थे। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अभी तक 6000 से 4000 BC तक का समय था, एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ का, और एमरजेंस किया हुई विलेज लाइफ की, डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ सेक्स के आधार पर, और उसके बाद वीट, राइस और बार्ली की कल्टीवेशन हमने देखी, मिलेट्स की कल्टीवेशन, शीप, गोट और कैटल जो थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे ये देखा हमने, और विलेज लाइफ और लेबर डिवीज़न सेक्स के आधार पर देखा गया। फिर क्या, पॉटरी मेकिंग, पॉटरी मेकिंग वॉज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट। अब देखिए, पॉटरी जो है आपका ना, मृदभांड से हिंदी में कहा जाता है, मृदभांड, ट से डमरू, ड, मृदभांड कहा जाता है हिंदी में, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। पॉटरी जो है ना वो आप यहाँ से बहुत, इस पॉटरी का बहुत रेलेवेंस हो गया, कैसे, ये भी जो है वो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बताती थी, क्योंकि पॉटरी मेकिंग जो हो गई ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राफ्ट हो गया। जैसे जैसे पॉटरी मिलती थी, जिस जिस कलर की पॉटरी मिलती थी उसी के आधार पर है ना डिवीज़न कर दिया गया पूरा सोसाइटी का, कहीं रही ढेर सारी पॉटरी मिलती थी तो पता लगता, सब बताते थे। और जो मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने बताया कि ये जो है मतलब पॉटरी जो है इसका मतलब, इसका रेलेवेंस ये है कि यहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत अच्छी थी, पॉटरी बहुत अच्छी वेल डेकोरेटेड थी, कहीं टूटी फूटी पॉटरी पाई जाती थी तो वहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पूर होती थी। लेकिन इन सब का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, इन पॉटरी मेकिंग का, ये आपका नियोलिथिक केज से पॉटरी मेकिंग का ऑरिजिन हुआ। और हमने देखेंगे कि हमने हमने जब इससे पहले देखा कि जो नियोलिथिक एज में जो है फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि भाई जब एग्रीकल्चर हुआ तो फूड प्रोडक्शन हुआ, प्लस सब्सिस्टेंस, और जब प्रोडक्शन होने लगा तो एक सब्सिस्टेंस लेवल जो है मतलब अपने अपने लाइवलीहुड के ऊपर भी जो है, मतलब जैसे कि हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि खुद खा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी प्रोडक्शन होने लगा। ठीक, पॉपुलेशन को और बियॉन्ड सब्सिस्टेंस लेवल पर होने लगा, और कुछ लोग मतलब कि अपना वो जो है जो सरप्लस होने लगा वहाँ पर, कि मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो सरप्लस का भी वहाँ पे जमावड़ा होने लगा, जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई तो उसे स्टोर करने का भी फिर साधन वहाँ डेवलप करने लिया गया, भाई ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो स्टोरेज का भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये सब पॉटरी हमने देख लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था। दैट एमर्ज विथ मील मी विथ दैट एमर्ज विथ मीन्स द व्हील वॉज यूज। ठीक, अब पॉटरी बनाई गई है, ठीक, अब जानते हैं कि इस चक्के पे बनाई जाती है, तो घूमते रहते हैं जैसे शेप देते हैं हाथ से, तो इसका मतलब जब पॉटरी आई तो व्हील भी आया, मतलब बिना व्हील के कैसे बनाई जाएगी पॉटरी, हाथ से तो बनाई नहीं जाएगी, तो इसका मतलब कि व्हील का भी डेवलपमेंट हुआ। और पॉटरी किस लिए यूज़ होता था, कुकिंग के लिए, भदेली जिसे कहा जाता है आपके गाँव में, अपने गाँव में, कुकिंग एंड स्टोरेज के लिए, बरनी उरनी जिसे कहा जाता है जिसमें अचार उचार रखते हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए आपका पॉटरी का यूज़ हुआ। ठीक, तो आगे चलते हैं हम और देखते हैं, और मेन साइट्स कौन कौन सी हैं यहाँ की, आपकी न्यूलिथिक साइट कौन सी हैं, ईरान, जबलपुर, दामोह, सागर, यहाँ पे कुछ मेन साइट हैं, यहाँ पे एविडेंस पाए जाते हैं ईरान के। अब देखिए, ये तो आपका यहाँ तक हो गया, लेकिन अब इससे यहाँ वो आगे जाने से पहले हमें एक चीज़ को डिस्कस करना है, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और वो क्या है आपकी, भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में अभी हम अर्लियर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपकी, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपकी, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपके मतलब हर एग्ज़ाम में पूछती है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UPPSC हो, चाहे वो MPPSC हो, BPSC हो, सब जगह पूछी जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्टिवली मुझे मेंशन आपको बारे में बताना रहेगा मुझे। ये है क्या, ये 800, देयर आर मोर देन 800 रॉक शेल्टर्स, 500 बियर पेंटिंग्स यहाँ पर पाई जाती हैं। 800 रॉक शेल्टर्स का यहाँ पर समूह भी पाया जाता है, और यहाँ पे कितनी, 500 करीब पेंटिंग्स पाई जाती हैं यहाँ पे आपकी, कहाँ पे, भीमबेटका में आपकी 800 के करीब पेंटिंग्स पाई जाती हैं यहाँ पे। और ये जो साइट है कब डिस्कवर, किसने डिस्कवर किया था, VS वकानकर जो हैं आपके, वकानकर। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा, देखते रहिए और याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि भूल जाएँ यहाँ पे देख के कि बस स्लाइड में नहीं मेंशनड है और वैसे ही पढ़ा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए स्लाइड में मेंशन नहीं है, और अलग से मैं पढ़ाना मुझे ज़रा ज़रूरी लगा ये,
1957-58 में किसने इसे डिस्कवर किया था? वी एस वाकानकर ने, आपको मिजोलिथिक साइट जो है आपकी ये डिस्कवर की थी, वाकानकर जी ने आपकी सबसे पहले ये साइट डिस्कवर की थी। क्या हमने देखा 800 रॉक शेल्टर्स हैं और कितनी पेंटिंग्स हैं, 500 पेंटिंग्स हैं। अब ये है कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है मध्य भोपाल से 40 किलोमीटर दूर पे इसकी लोकेशन है। कहाँ पे? रायसेन जिले के, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला जो है वहाँ पे इसका लोकेशन है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पे है इसका लोकेशन, और जो कि रायसेन ज़िले में पड़ता है, रायसेन ज़िला है आपका, वहाँ पे पड़ता है। और क्या कहते हैं कि ओब्देलागंज, अब्दुल्लागंज एक टाउन है, ओब्देला पढ़ते हैं इंग्लिश में, ओब्देलागंज टाउन के नियर बाई एरिया में है ये ओब्देलागंज टाउन इनसाइट। और किसके अंदर? रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। पूछ लेगा आपसे कि भीमबेटका केव जो है किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, एमपी के अंदर आती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती हैं। कहाँ पे है? आपके रायसेन ज़िले के ओब्देलागंज टाउन के पास है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। देखिए हर एक फैक्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो ये आपको हर एक फैक्ट पता रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ पढ़ें ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल फैक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिस्कस किया, डिस्कवर किया, मतलब इसे टैग दिया गया था 2003 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको, 2003 में आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे टैग दिया गया था। और भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है आपका पैलियोलिथिक एज का, मतलब हमने बताया ना लेट पैलियोलिथिक और अर्ली मेसोलिथिक एज का, जो आपके एज का ये साक्षी है। और एग्जिबिटिंग अर्लियर ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के अर्लीस्ट ट्रेसेस को डिपिक्ट करता है, मतलब सबसे अर्लियर फॉर्म में ह्यूमन लाइफ कैसी हुआ करती थी वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा। और भारतीय उपमहाद्वीप में आपको पता होगा सिर्फ भारत नहीं आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, ये सब आपके भारतीय उपमहाद्वीप में ही आते हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा। और इसने और एक चीज़ क्या डिपिक्ट करता है, बिगिनिंग ऑफ साउथ एशियन स्टोन एज, दक्षिण एशियाई स्टोन एज भी है, साउथ एशियन स्टोन एज जो है डिपिक्ट करता है ये आपका भीमबेटका केव जो है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, साइट्स प्रोवाइड कंटिन्यूस हिस्ट्री ऑफ मैन फ्रॉम पैलियोलिथिक टू हिस्टोरिकल पीरियड। ये साइट जो है मैन की पूरी कंटिन्यूस हिस्ट्री बताती है, कब से कब तक, पैलियोलिथिक से लेकर हिस्टोरिकल पीरियड तक। हिस्टोरिकल पीरियड मतलब क्या, वैदिक काल तक, पैलियोलिथिक मतलब पाषाण काल तक, तो पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक की जो मैन की हिस्ट्री है ये पूरी ये साइट दर्शाती है आपकी। कौन सी साइट? भीमबेटका साइट। और क्या, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 डिफरेंट पीरियड्स। ये जो यहाँ की ड्राइंग्स हैं, जो स्टेज की दीवार पर ड्राइंग्स बनी हैं और जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं इसके दीवार पे, ये 7-7 डिफरेंट पीरियड्स को दिखाती हैं। कौन कौन सी, जैसे आपकी पैलियोलिथिक हो गई, मीजोलिथिक, इसलिए बताया ना मैंने एक काल की नहीं है, पैलियोलिथिक हो गई, मीजोलिथिक हो गई, अभी चालकोलिथिक हो गई, चालकोलिथिक जिस समय ब्रॉन्ज एज जैसे कहा जाता है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड आपका हो गया, और कितना मेडिवल पीरियड, तो मेडिवल पूरा पूरा मेडिवल पीरियड तक की पूरी 7 ये पूरा दिखाता है कि यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी थी। प्लस रॉक पेंटिंग जो थी वो वेल्थ थी, किस जो हमारे लिए उन्होंने छोड़ दिए, प्रिमिटिव मैन जो थे हमारे लिए, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उन्होंने अगर ये छोड़ा ना होता तो हम कैसे पता चल पाते कि उस समय की हिस्ट्री क्या थी, उस समय की ज्योग्राफी क्या थी, कि इन सब चीज़ों से हमें पता चली। प्लस कि ये पेंटिंग से कलर क्या है, जो वेजिटेबल कलर्स यूज़ किए गए हैं, जिस कलर के वेजिटेबल्स पाए जाते थे वो कलर, क्योंकि उस समय कोई आर्टिफिशियल कलर हुआ ना करता था, तो वेजिटेबल कलर से ही उन्हें मतलब पेंट किया जाता था। और ड्राइंग वेल जनरली मेड डीप इनसाइड निशे और इनर वॉल्स, तो इनर वॉल्स पर ज़्यादातर ड्राइंग जो है वो की जाती थी। अब पेंटिंग्स के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ की पेंटिंग्स की क्या सिग्निफिकेंस था, पेंटिंग्स जो थी उनकी वो थीम्स, पेंटिंग की थीम्स क्या थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। थीम्स जो उसकी हुआ करती थी वो क्या होती थी, ह्यूमन और एनिमल फिगर हुआ करता था, ह्यूमन का फिगर, एनिमल का फिगर, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या थी, हंटिंग, गैदरिंग, कटिंग ट्रीज, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का, ये सब हंटिंग गैदरिंग, म्यूजिक, नाचना गाना, डांसिंग। और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पाए जाते थे, जैसे सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया आपका, पेंटागन, हेक्सागन हो गया, तो ये सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पाए जाते थे। सिंबल्स, जैसे मान लीजिए ऐसा सिंबल कोई हो, मतलब सिंबल, सिंबल मतलब कैसा भी सिंबल, आपका चिड़िया का सिंबल हो सकता है, आपका एनिमल का सिंबल हो सकता है, आपका कैसा भी सिंबल हो सकता है, तो सिंबल्स पाए जाते थे। प्लस एलिफेंट राइडर्स भी वो दिखते थे, हॉर्स राइडर्स भी दिखते थे, ये सब सोच लीजिए, ये सब आपका दिखता था तो इसका मतलब हुआ करता था। एनिमल फाइटिंग, जैसे कि हमारी बुल बुल फाइटिंग होती है, कॉक फाइटिंग होती है, तो ये सारी जो है जो मुर्गे लड़ाई करते हैं उनकी, हनी कलेक्शन दिखाई जाती थी, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज थे आपके, हनी कलेक्ट किया जाता था, ये सब बताता है। और हाउस होल्ड सीन दिखाए जाते थे कि मतलब घर में क्या हो रहा है, पारिवारिक लाइफ क्या, ये स्टाइल कैसी है घर में, पति पत्नी और वो वाला जो सीन है आपका वो दिखाया जाता था, तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, ये पेंटिंग्स की थीम थी। अब कलर्स क्या थे, वेजिटेबल कलर्स यूज़ किए जाते थे, जो कि प्लांट फ्लावर
ब्रशेज जो थे वो प्लांट के फाइबर से बनाए जाते थे, मतलब प्लांट के जो फाइबर्स निकले, जो छाल जो होती थी पेड़ों की, तो उसकी जो ब्रशेज, ऐसे ब्रशेज निकले के तो उसी से पेंटिंग पूरी बनाई जाती थी। वेजिटेबल कलर चूज़ किया जाता था, जैसे कि टमाटो का कलर रेड है तो वो ब्रिंजल कलर, पर्पल है तो वो कलर, येलो कलर आम का है तो वैसा कलर, तो ये सारे कलर यूज़ किए जाते थे। और अमेजिंग कलर्स थे, सोचिए इतने अमेजिंग थे कि अभी भी उसे कलर डिसाइड मतलब दिखते हैं स्क्रीन, मतलब वहाँ पर, मतलब जब उसके पेंटिंग वॉल पेंटिंग से अभी भी कलर देखते हैं, सोचिए कितने अच्छे कलर हुआ करते थे। और अभी तो हम कर दें तो पुताई करवा दें घर की तो वैसे ही वो छूट जाती है, सोचिए उस समय कलर अभी तक कैसे। और पेंटिंग पेलियोलिथिक पेंटिंग्स कौन कौन सी थी उसमें, भीमबेटका की जो पेलियोलिथिक पेंटिंग्स थी वो थी आपकी डांसिंग, थी डांसिंग ठीक, और कौन सी थी आपकी हंटिंग सीन्स थे, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग स्टेज है आपकी, हंटिंग सीन्स। और अब यूज़ कौन से, क्या क्या कलर यूज़ किया जाता था, डांसर्स के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया जाता था, रेड कलर जो है आपका हंटर्स के लिए यूज़ किया जाता था, और स्टिक लाइक फिगर्स बनाए जाते थे, जैसे मैं पता बना रहा हूँ ना, ये स्टिक लाइक फिगर्स, ऐसे ऐसे फिगर बनाए जाते थे एनिमल के लिए, टाइगर्स जैसे थे, एलिफेंट थे, बिसॉन, राइनो, ये सारे एनिमल शो किए जाते थे। तो सोच लीजिए कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है पूरी पेंटिंग में। पैलियोलिथिक पेंटिंग में हमने क्या क्या देखा कि हंटिंग और गैदरिंग के सीन दिखाए जाते थे, प्लस क्या कहते हैं डांसिंग के सीन दिखाए जाते थे, स्टिक लाइक फिगर्स हुआ करते थे, और एनिमल कौन कौन से थे, कौन कौन से एनिमल थे, टाइगर, एलिफेंट आपका, बिशन, राइनो, ये सारे एलिफेंट, ये आपके पूरे ये सब पाए जाते थे। अब मीजोलिथिक पेंटिंग जो है आपकी, उसमें भीम बेटका की मीजोलिथिक पेंटिंग में क्या क्या आता था, ये तो पैलियोलिथिक था, मीजोलिथिक में आपका कौन कौन सा आता था, आपकी स्मॉलर साइज़ की हुआ करती थी पहले, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी पैलियोलिथिक में, और हंटिंग सीन जो है प्रीडोमिनेट करती थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि हंटिंग सीन जो है वो प्रीडोमिनेट करते थे यहाँ पे। और सम पेंटिंग डिपिक्ट अ सॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ, देखिए मैंने बताया था ना आपको, फैमिली लाइफ डिपिक्ट करती थी यहाँ की पेंटिंग्स, सॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ, हैंड प्रिंट्स एंड फिंगर प्रिंट्स आर ऑल्सो फाउंड, मतलब हाथ हाथ के शेप, ऐसे पंजा आपका पाया जाता था, हैंड के प्रिंट और फिंगर के प्रिंट, जो ऐसे ऐसे आपके फिंगर है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे बना रहता है, तो फिंगर प्रिंट ये सारे पाए जाते थे मीजोलिथिक में। तो मीजोलिथिक में हमने क्या देखा, हंटिंग सीन जो प्रीडोमिनेट करते थे, प्लस फिंगर प्रिंट्स और हैंड प्रिंट्स पाए जाते थे। और चालकोलिथिक मतलब आपका ब्रॉन्ज एज में जो कि पाया जाता था, उसमें क्या क्या पाया जाता था, इसमें व्हाइट एंड रेड कलर्स की पेंटिंग पाई जाती थी, व्हाइट एंड रेड उस समय फेवरेट निकलता था चालकोलिथिक पेज का, प्लस व्हाइट कहाँ से आता था, लाइम स्टोन से आता था, चूना पत्थर से आपका एमपी में जो कि बहुत हुआ करता होता है, और आपका रेड जो है वो हेमिटाइट रॉक, मतलब जो आपकी रेड सॉइल जो होती है वहाँ से आया करता था, जिसे गेरू भी कहा जाता है, गेरू जानते हैं ना, गेरू शादी होदी में या फिर जो ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है वो यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर कहाँ से आता था, चैल्सीडोनी स्टोन से आपका ग्रीन कलर आता था। और पेंटिंग द पेंटिंग्स बेयर अ चार्म एंड सिंपल रेंडरिंग ऑफ द सीन्स ऑफ एनवायरमेंट, क्या दिखाती थी, एनवायरमेंट का सीन्स भी दिखाती थी पेंटिंग, आर्टिस्ट जो रह रहे थे उनको दिखाती थी, और क्या उसमें स्टोरी बताई जाती थी कि स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट था, और पैशनेट स्टोरीज मतलब एकदम अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ वो स्टोरी, ऐसा पूरा थीम था। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग दिखती है, मतलब पेंटिंग एक जन बनाए, फिर दूसरे जन बनाए, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ऐसे 200 लेयर्स पेंटिंग की देखने के लिए मिलती है अलग अलग कलर्स की। तो देखिए मैंने पूरा आपको भीम बेटका के बारे में बताया, एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको, भीम बेटका की बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 800 रॉक शेल्टर्स का फैक्ट, एक 800 रॉक शेल्टर्स हैं, 500 वहाँ पेंटिंग है, किसने डिस्कवर किया था 1956-57 में, अरे सॉरी आपकी 1957-58 में, 57-58 में वीएस वनाकर जो हैं, वीएस वनाकर मनाकर ने आपका डिस्कवर किया था इसको। और लोकेशन कहाँ है, रायसेन ज़िले में, मैंने बताया आपको रायसेन ज़िले में है, और उपदेलागंज टाउन के पास है, रायसेन ज़िले के उपदेलागंज टाउन के पास है, प्लस इसके अंदर कौन सी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रत्तापानी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लिख दे रहा हूँ मैं, पत्थर की लकीर समझिएगा, 2003 में इसे क्या कहते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो टैग दिया गया, प्लस और ये कहते हैं कि ये जो आपकी रॉक साइट है ये अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ डिपेक्ट करती है, ह्यूमन लाइफ की जो अर्लीस्ट ट्रेसेस हैं ये डिपेक्ट करती है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी जो अर्लीस्ट ह्यूमन लाइफ है ना ये पेंटिंग डिपेक्ट करती है, प्लस साउथ एशियन का भी आपका जो पैलियोलिथिक एज है ये भी ये बहुत अच्छे से डिपेक्ट करती है पूरी जो है आपकी ये भीमबेटका का साइट है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है, सॉरी, और 7 डिफरेंट टाइम पीरियड को डिस्कवर करती है, जैसे कि आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक,
चालकोलिथिक, मेडिवल काल, आपका अर्ली वैदिक है, जिस सारे इस तरीके के 7 समय 7 टाइम पीरियड के पेंटिंग्स को डिपेक्ट करती है ये उनकी। और क्या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हमें क्या हेल्प करती है, किस चीज़ों में, लाइफ स्टाइल हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, डेली एक्टिविटीज़ क्या थी, उनके माइंड में क्या चलता था, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमें डिपिक्ट करती थी वो। और पेंटिंग्स का कलर जो था वो वेजिटेबल कलर यूज़ किया करता था। प्लस अब पेंटिंग्स के बारे में अगर कुछ देखें तो थीम्स क्या थी, हमने देखा थीम्स थी उसकी ह्यूमन एनिमल फिगर्स का थीम था उसका, हंटिंग और गैदरिंग का थीम था उसका, म्यूजिक का, डांसिंग का, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बना दी जाती थी, सिम्बल्स थे, हॉर्सेज, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, वेज हाउस होल्ड सीन, तो ये सारा आपका ये पेंटिंग की थीम हुआ करती थी। जो जो मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। अगर वेजिटेबल कलर्स और प्लांट फाइबर के ब्रशेज यूज़ किए जाते थे पेंटिंग बनाने के लिए। पैलियोलिथिक पेंटिंग जो भीमबेटका काल की हैं, भीमबेटका की जो पैलियोलिथिक पेंटिंग है उसकी कुछ कुछ थीम्स अगर मैं बताऊँ आपको, तो डांसिंग थी, हंटिंग थी, हंटिंग सीन थे, और डांसर्स को जनरली ग्रीन कलर से पेंट किया जाता था, ठीक। रेड कलर जो था वो हंटर्स के लिए यूज़ किया जाता था, रेड मतलब खतरा, तो हंटर मतलब खतरा समझ लीजिए, डांसर मतलब ग्रीन, ये समझ लीजिए। प्लस स्टिक लाइक फिगर्स थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, ऐसे टिड्डे टिड्डे फिगर बनाए गए थे। और एनिमल कौन कौन से थे, एलिफेंट, बिशन, राइनो, ये एनिमल दिखाए गए। प्लस मीजोलिथिक वाले में हमने क्या देखा कि स्मॉलर साइज़ की पेंटिंग हुआ करती थी, हंटिंग सीन प्री डोमिनेट करते थे, और फैमिली लाइफ जो है वो डिपिक्ट की गई है, हाथ के पंजे, हैंड प्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं। चालकोलिथिक में हमने देखा कि डिफरेंट कलर्स के वो डिफरेंट कलर का यूज़ हुआ करता था, और गेरू कलर का यूज़ हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट, गेरू कलर का यूज़ हुआ करता था, और लाइम स्टोन कलर वो यूज़ होता था, वाइट कलर जो निकालते थे लाइम स्टोन से, चूना पत्थर से। और ये पेंटिंग जो हैं हमारे लिए यहाँ पर 20 लेयर की पेंटिंग मिली, ये भी हमने बताया आपको। तो देखिए ये पूरा आपका जो हो गया ना, ये आपका भीमबेटका केव्स के बारे में हो गया पूरा, एक मैंने पूरा डिस्कस कर दिया आपको भीमबेटका। अब यहाँ इससे बाहर से मुझे कोई कोई फैक्ट आपके नहीं आ पाएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका। और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब चालकोलिथिक एज के बारे में अगर देखते हैं, चालकोलिथिक एज आपकी कब से, 4000 से लेकर आपकी 1200 BC तक आपकी चालकोलिथिक एज चलती है। और इसके अंदर क्या आपका आता है, स्टोन कॉपर एज आता है, ठीक। मेन साइट कौन कौन सी हैं, नर्मदा, चंबल, बेतवा, जबलपुर और बालाघाट आपकी मेन साइट्स हैं इसकी एज चालकोलिथिक एज में। ये नियोलिथिक एज के बाद आया है, और स्टोन कॉपर एज मतलब कॉपर एज और स्टोन एज दोनों का कॉम्बिनेशन है, चालको और लिथिक, मतलब चाल मतलब वही कॉपर आपका और लिथिक मतलब पत्थर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका स्टोन एंड कॉपर एज का। सो आफ्टर स्टोन मेटल एज जो है अब यहाँ से बिगिन करती है, और कॉपर जो है फर्स्ट मेटल यूज़ किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद बता रहना चाहिए, कॉपर जो है हमारे यहाँ फर्स्ट मेटल था जो कि यूज़ किया गया था, ठीक। आगे चलें और देखें कि मेन साइड एमपी वैली में कौन कौन सी चालकोलिथिक एमपी वैली में थी, तो ये टाइम पीरियड बता देना चाहिए, नर्मदा वैली, चंबल वैली, बेतवा वैली, जबलपुर और बालाघाट, ये आपकी मेन साइट्स हुआ करती थी किसकी, चालकोलिथिक पीरियड की। प्लस चालकोलिथिक कल्चर जो है कहाँ कहाँ पाया जाता था, कयाथा, ये इंपॉर्टेंट है, ईरान, महेश्वर, नागड़ा और नवदा टोली, ये नवदा टोली और आपका कयाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कयाथा क्या था, फर्स्ट चालकोलिथिक कल्चर था या हैबिटेशन था मध्य प्रदेश का, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कयाथा जो था वो फर्स्ट चालकोलिथिक हैबिटेशन था मध्य प्रदेश का, ये फैक्ट बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि चालकोलिथिक जो था वो आपका आपका कयाथा जो था वो आपका फर्स्ट चालकोलिथिक और आपका क्या कहते हैं कि हैबिटेशन था मध्य प्रदेश में। डॉक्टर वकानाकर जो था उन्होंने कयाथा और नागड़ा कल्चर नागड़ा जो आपका साइट को है डिस्कवर किया था, ये वही वक्कानाकर हैं जिन्होंने भीमबेटका को भी डिस्कवर किया था, डॉक्टर संकालिया हैं महेश्वर और नादातोली को उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, फिर से देख लेते हैं कि 4000 से 1200 तक है स्टोन कॉपर एज कहा जाता है ऐसे, कॉपर का सबसे पहले यहीं यूज़ किया गया और उसके बाद से स्टोन कॉपर एज जो है वो शुरू हो गई, ठीक। मेन साइट आपकी कौन सी है, नर्मदा, चंबल, बेतवा और जबलपुर, बालाघाट आपकी मेन साइट है, इसके अलावा कयाथा, ईरान, महेश्वर, नागड़ा और नवदातोली आपकी इंपॉर्टेंट साइट है। कयाथा किसे डिस्कवर किया था, चालकोलिथिक की पहली हैबिटेशन थी आपकी चालकोलिथिक की, मध्य प्रदेश में चालकोलिथिक की पहली हैबिटेशन कौन थी अगर पूछ लेता है फैक्ट, तो कौन थी आपकी मध्य प्रदेश में सबसे पहले चालकोलिथिक की हैबिटेशन आपकी कयाथा हुआ करती थी। और डॉक्टर वकानाकर जो थे उन्होंने कयाथा को और नागड़ा को डिस्कस की मतलब वो डिस्कवर किया था, और डॉक्टर संकालिया जो थे उन्होंने महेश्वर और नवदातोली को डिस्कवर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको पता रहना चाहिए और ध्यान से पढ़िएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक। और यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं और कुछ पार्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, द हिस्ट्री ऑफ एमपी ड्यूरिंग हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड में एमपी की हिस्ट्री क्या थी ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर हम डिस्कस करने से पहले देखें तो हमारा यहाँ पे हिस्ट्री एमपी की जब हिस्टोरिक पीरियड में आपकी आ गई, पहले प्रोटो थी हमने देखा ना, पहले प्री थी फिर प्रोटो थी अब हिस्टोरिक। तो अर्ली वैदिक जो ऋग वैदिक पेज है तो विंध्या जो है वो सदर्न बाउंड्री फॉर्म करता था इंडो आर्यन टेरिटरीज़ की,
और ऋग्वेदा जो है वो नर्मदा रिवर को मेंशन नहीं करता है, ठीक। तो इस मतलब इस समय तो उसका मेंशन नहीं पाया जाता होगा, और क्या। तो यही है आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड था, आपका अर्ली वैदिक पीरियड में जो आपका ऋग वैदिक पीरियड जिसे कहा जाता है, तो विंध्या जो थी वो दक्षिण बाउंड्री बनाती थी, सदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती थी, किसकी, इंडियन आर्यन टेरिटरीज की दक्षिण जो बाउंड्री है वो बनाती थी। और ऋग्वेदा में जो है वो नर्मदा रिवर का मेंशन नहीं है, गंगा वंगा का तो मेंशन है आप पता होगा, लेकिन नर्मदा का मेंशन नहीं है, ठीक। अब महाजनपदा पीरियड में आते हैं जो कि 6th सेंचुरी BC का है, टाइम पीरियड है। सो 6th सेंचुरी BC में जो आपका महाजनपदास और उस समय बुद्धा बुद्धिज्म और जैनिज्म इसी समय ओरिजिन हुआ था। तो 3 महाजनपदा जो थे सेंट्रल इंडिया में थे, कौन कौन थे, वो अवंती, चेदी और वत्स। वत्स, अवंती और चेदी जो आपके थे वो 3 महाजनपदास हुआ करते थे, ठीक। ये आपके मध्य प्रदेश का था, ये 3 महाजनपदास जो थे आपके मध्य प्रदेश में, यानी अवंती थे, चेदी थे और वत्स, ये आपके 16 महाजनपदास टोटल हुआ करते थे, ठीक। और उसमें 3 जो थे मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, वो कौन थे, अवंती, चेदी और वत्स, ठीक। पाली लैंग्वेज जो थे बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट वर्ग होते थे जितने भी, मतलब बुद्धिस्ट उस समय ऑरिजिन हो गए थे बुद्धिस्ट काल, मैंने आपको बताया ना 6th सेंचुरी BC में बुद्धिस्ट और जैनिज्म को ऑरिजिन हुआ था, ठीक। तो जो बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज थी वो पाली लैंग्वेज थी, पाली स्क्रिप्ट में उनकी जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, तो पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट वर्ग वहाँ पर मेंशन किया है कई सिटीज़ को, जो उस समय जो पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट वर्ग थे उन्हें कई सिटीज़ को मेंशन किया, जैसे कि आपका उज्जैनी, विदिशा और महिष्मत। महिष्मती आपका ये महिष्मती अमर रहे और महिष्मती का साम्राज्य, आपका बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है, वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये जो बाहुबली की हिस्ट्री ली गई है वो उसी महिष्मती काल से ली गई है, नहीं नहीं भाई वो ऐसा नहीं है, ये वहाँ का नहीं है, ये आपका उज्जैन, ये 6th सेंचुरी BC में खुद महिष्मती नाम से एक साम्राज्य हुआ करता था, जो अब मॉडर्न महेश्वर है महाराष्ट्र, अरे आपका मध्य प्रदेश का जो मॉडर्न महेश्वर है वो आपका ये है। उज्जैनी, विदिशा और महिष्मती, ये आपका 3 ये चीज़ों का मेंशन है कहाँ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जो आपका ये मेंशनड है उज्जैनी, विदिशा और महिष्मत, आपका महिष्मति और महेश्वर। और फिर अवंती महाजनपदा आपका, अब देखें इसके बारे में, तो अवंती महाजनपदा आपका किस आता था, किसके अंडर में ये आपका आता था, क्या कहते हैं कि मालवा रीजन के अंडर आता था आपका अवंती महाजनपदा, आपका मालवा रीजन में 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कौन कौन से, विंध्या जो पर्वतमाला थी, मान लीजिए कि किंगडम है तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, विंध्या सिंह जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ में और साउथ में, नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ का कैपिटल अवंती का कौन सा था, उज्जैन था, और सदर्न अवंती कौन सा था, महिष्मती था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना चाहिए आपको कि डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स बाय विंध्या, नॉर्थ अवंती जो था उज्जैन में और साउथ अवंती जो था वो डिवाइड कर दिया था, नॉर्थ और साउथ अवंती में विंध्या रेंजेस से डिवाइड कर दी थी, और नॉर्दर्न पार्ट का जो कैपिटल था वो कौन था आपका, उज्जैनी था, और सदन उज्जैनी कहा जाता था उस समय, उज्जैन नहीं कहा जाता, तो उज्जैनी था, और सदन पार्ट का जो था आपका महिष्मती हुआ करता था, ठीक। अवंती रूलर्स, अवंती कितने कई मतलब डायनेस्टीज़ के द्वारा रूल की गई हैं, उसमें सबसे पहले कौन सा था, हाइहया डायनेस्टी, प्रद्योत डायनेस्टी, और ये दोनों डायनेस्टी आपकी, और लेटर मर्ज इंटू कौन सी डायनेस्टी मर्ज कर दिया गया, शिशुनाग डायनेस्टी में, ठीक। तो अर्ली टेक्स्ट के मतलब जो अगर जो देखें उसमें से ट्रेसेस देखें, तो अवंती जो था वो हाइहया डायनेस्टी के रूल किया जाता था, उसके बाद विथोरा डायनेस्टी जो कि एक ब्रांच थी, विथोरा, वितिहोरा ये आपकी नाम है, ये नाम था इस डायनेस्टी का, वितिहोरा डायनेस्टी के बाद रूल किया जाता था, जो कि हाइहया की एक ब्रांच हुआ करती थी। देखिए हिस्ट्री है तो बोर मत होइएगा, इंटरेस्टिंगली लीजिए, और अभी तक सारे टॉपिक इतने इंटरेस्टिंगली मैंने बताए हैं आपको कि आपको बोर होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद प्रद्योता डायनेस्टी, ये तीसरी डायनेस्टी थी, ठीक, जिसने अवंती को रूल किया था, और प्रद्योता डायनेस्टी के अंडर में ही अवंती जो है एक मेजर पावर बन के आया, कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक मेजर पावर बन के आया प्रद्योता डायनेस्टी में, अवंती। अवंती जो है मैंने बताया ना, हाइहया डायनेस्टी, प्रद्योता डायनेस्टी, और एक और डायनेस्टी थी वितिहोरा डायनेस्टी, जो कि एक सब ब्रांचेस थी आपकी हाइहया डायनेस्टी की द्वारा रूल किया गया, और प्रद्योत डायनेस्टी में, आपका प्रद्योत डायनेस्टी में ही अवंती को जो है एक बहुत ख्याति मिली, एक बहुत बड़े पावर के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उसे बहुत ख्याति मिली, ठीक, उसके बारे में। और फिर अवंती जो है लेटर किसने एनेक्स कर लिया, मगध एम्पायर ने, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के अंडर आता था, उसने अवंती को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, और उसके ऊपर अपना आस्था साम्राज्य स्थापित कर दिया। और शिशुनाग डायनेस्टी को किसने मतलब हरा दिया, नंद ने, नंदास जो थे, नंद डायनेस्टी, धनानंद वाले जो थे, उन्होंने शिशुनाग को हरा दिया, जो कि उसके बाद, और उन्हें किसने हराया, नंद को मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य की स्टोरी तो आपने पूरी सुनी होगी। तो ये पूरा था, देखिए ये लेक्चर अभी हम यही ख़त्म करते हैं, और इसके बाद इस दूसरे लेक्चर को हम इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि आप बोर ना हो, ठीक। थैंक यू।